देखिए, चिकित्सा शास्त्र जो है इसको उसकी आप ऑटोनॉमी अगर ख़त्म करेंगे तो चिकित्सा का जो लेवल है हमारे देश में कम हो जाएगा। समस्या ये आ रही है कि कानून पे कानून, कानून पे कानून आप लाते जा रहे हैं। समस्या का हल ये नहीं है। कानून तो इस देश में बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, उन कानून को ठीक तरीके से एनफोर्स कराया दिया जाए, इसकी ज़रूरत है। ये नेशनल मेडिकल कमीशन जो आ रहा है इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये चिकित्सकों का एक्ट है। इसमें चिकित्सकों की पहले सलाह तो होनी चाहिए थी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसमें चिकित्सक दल के भी कुछ सहभागिता होनी चाहिए जो कि उस एक्ट में आए। दोनों में कुछ भी नहीं है, इसलिए ये एक्ट हम लोग को स्वीकार नहीं है और इसका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। देखिए, एक्ट तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी है और एक्ट ये भी है। कोई भी कानून डॉक्टर्स को जो भी पालन करना है वो करेंगे ही, लेकिन दो तीन चीज़ें इसमें सुधार की ज़रूरत है। एक तो ये कि जैसे सरकारी कॉलेज से किसी MBBS स्टूडेंट ने उसकी पढ़ाई पूरी की है, उसके बाद इतने सारे एग्ज़ाम देने के बाद एक फिर से गवर्नमेंट अप्रूव्ड द्वारा जो मेडिकल कॉलेज से पास किया है बच्चा, फिर से वो एक और एग्ज़ाम, मेरे को ये नहीं लगता कि ये ज़रूरी है। हाँ, जो बाहर के स्टूडेंट आते हैं आप उनके लिए जो पहले से एग्ज़ाम करते हैं, या आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि मेडिकल की पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए, भाई एग्ज़ाम का मतलब क्या है कि हमने पूरा पढ़ाई पास की है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, उसको समाप्त कर नया नेशनल मेडिकल कमीशन लाने का जो निर्णय है केंद्रीय सरकार का, वो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है। विडंबना यह है कि उस पक्ष को जिसको बेईमान घोषित कर भंग करने का निर्णय लिया गया है, उसके पक्ष को कहीं भी इस पूरी प्रक्रिया में सुना ही नहीं गया है। बल्कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को फीस वसूलने में, सीटें बढ़ाने में, मनमानी करने में पूरी छूट दी गई है। मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में जो है गिरावट आएगी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।